अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का ये जो लाइव सेशन है, इसमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, मेरे पूरे विभाग की तरफ से, अस्पताल की तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वैसे तो हर साल ही जो नया साल है उसमें हम सब बहुत आशान्वित रहते हैं, बहुत सारे नए प्लान्स बनाते हैं, बहुत सारे हमारे रेजोल्यूशंस रहते हैं। पर 2021 जो साल है ये थोड़ा सा ज्यादा खास है। इस बार हम हर साल की बजाय ज्यादा उत्साहित हैं, ज्यादा आशान्वित हैं। और यही सोच के मैंने जो इस महीने का टॉपिक सोचा था वो मेल इनफर्टिलिटी का सोचा था, क्योंकि जो मेरी प्रैक्टिस में मुझे समझ में आया कि वैसे तो इनफर्टिलिटी के सारे ही कपल्स बहुत परेशान रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, परंतु जब भी मेल इनफर्टिलिटी रहती है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी झिझक और बहुत सारा मानसिक तनाव इसके साथ रहता है। तो और साथ ही इसमें हम डॉक्टर से भी बात करने में कई बार हिचकिचाते हैं। तो हमने इस महीने जो 4 लाइव सेशंस प्लान किए हैं उसमें हम जो एक्सपर्ट्स हैं इस विषय के, उसके बारे में हम खुल के इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपने जो हमें क्वेश्चंस लिख भेजे हैं उसको भी हम इसमें लेंगे। और आशा करती हूँ कि नए साल में आपकी जो भी आशाएं हैं, जो भी आपके एम्बिशंस हैं, रेजोल्यूशंस हैं, अपनी फैमिली को लेके, फर्टिलिटी को लेके, जीवन को लेके, वो सब आपके पूरे हों। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रूपिन शाह। मैं सच में लकी हूँ कि सर ने एग्री किया इस लाइव सेशन के लिए और मेरा साल बहुत ही अच्छे नोट पे शुरू हुआ। सर हैज़ गॉट इमेंस एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड ऑफ एंड्रोलॉजी। लगभग 30 से 40 साल से वो इस फील्ड में कार्यरत हैं। रिप्रोडक्टिव माइक्रो सर्जरी में उनकी महारत है और ऐसा यदि कहें कि इस फील्ड को, एंड्रोलॉजी को उन्होंने भारत में एस्टैब्लिश किया है, शुरू किया है, तो ये गलत नहीं होगा। जो चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, डॉक्टर बीसी राय अवार्ड, वो उनको दिया गया है क्योंकि उन्होंने एंड्रोलॉजी फील्ड में इतना ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग काम किया है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं ये कह सकती हूँ कि उनके द्वारा जो टेक्निक्स डेवलप की गई हैं उससे हजारों नहीं बल्कि लाखों कपल सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में लाभान्वित हुए हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। थैंक यू और डॉक्टर प्रिया, सबसे पहले आप जी आपके बहुत काइंड वर्ड्स के लिए एंड वेलकम टू 2021, हैप्पी एंड हेल्दी। और ये शो तो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बढ़िया शो है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, इट इज़ रियली आर प्लेजर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, मेरे 2-3 दर्शकों ने भी मुझे यही लिखकर भेजा है कि क्या ये सच है कि पुरुषों में संतानहीनता बढ़ती जा रही है, स्पर्म्स की क्वालिटी क्या वाकई में पिछले कुछ दशकों में गिरती जा रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो ये सही है, काफी स्टडीज हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे 30 साल पहले के रिपोर्ट को अब के रिपोर्ट के साथ जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, टोटल स्पर्म काउंट, उनकी गति यानी मोर्टिलिटी वगैरह सब कम हुई है। पहले जैसे अगर 60 मिलियन नॉर्मल था तो अभी 20 मिलियन नॉर्मल हो गया, तो काफी कम तो हुए है। इसके साथ और एक बात है कि 30 साल पहले अगर किसी कपल को संतान नहीं होती तो सारा इल्जाम मिसेस के ऊपर, वाइफ के ऊपर ही डाला जाता था। हस्बैंड तो कभी टेस्टिंग के लिए आते ही नहीं थे। अब ये बदलने लगा या बदल गया है, तो अब जब कपल आते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है कि पुरुष का आप सीमन की जांच करवा ले, और फिर पता चलता है कि 50% केस में एक्चुअल प्रॉब्लम पुरुष में था। पहले जब टेस्ट नहीं करते थे तो पता नहीं चलता था, अब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, काफी संख्या में पुरुष की वजह से संतान नहीं होते। तो दोनों है, काउंट्स भी कम हुए हैं और उसकी काफी वजह है, और हम टेस्ट ज्यादा करते हैं, इसलिए जो केस पहले पता नहीं चलते थे अब पता चलते। मेरे पास एक पेशेंट आया था, एक शादी हुई, बच्चे नहीं हुए, दूसरी शादी कर ली, बच्चे नहीं हुए, तीसरी शादी, बच्चे नहीं हुए, तब उसने अपना टेस्ट करवाया और पता चला कि उसका स्पर्म काउंट तो जीरो है। तो ऐसे तो बहुत सारे केस होते हैं। तो ये एक मैसेज है कि अगर आप संतान के लिए ट्राई कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेप, वाइफ का कोई भी डिटेल चेकअप करने से पहले एक सीमन टेस्ट जरूरी है। बहुत सिंपल टेस्ट है, इन्वेजिव नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, और उससे कई बार पूरा ट्रीटमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आपने कहा कि आपने भी और शोध में भी ये प्रमाणित हुआ है कि कुछ दशकों में स्पर्म्स की क्वांटिटी कम हुई है, इसके क्या कारण आपको लगते हैं?
ऐसा क्यों हुआ है? पुरुष में तो बहुत से कारण होते हैं, जेनेटिक होता है, और ज्यादा से ज्यादा भी हमें जेनेटिक प्रॉब्लम मिलते हैं जो जन्म से ही होते हैं। कई बार कुछ छोटी बीमारी हो जाती है बचपन में। एक इम्पॉर्टेंट बात दर्शक के लिए, अगर आपको बच्चा है, लड़का है, तो ये चेक करना जरूरी है कि दोनों टेस्टिस जो बॉल्स हैं वो नीचे सही पोजीशन में। अगर वो ऊपर रह जाते हैं तो 1 साल या 2 साल के अंदर ही उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। अगर उनको नीचे न लाया जाए तो आगे जाके ये बच्चे में प्रॉब्लम आएगी। और फिर बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक बहुत महत्व का कारण ये है कि हमने इतने सारे केमिकल छोड़ रखे हैं कि उसी की वजह से हमारी फर्टिलिटी कम होते जा रही है। जैसे पहले DDT था, पेस्टिसाइड बहुत कॉमनली यूज होता था, और उससे भी स्पर्म काउंट कम होते हैं। जो प्लास्टिक्स हम यूज करते हैं घर में, अलग अलग प्रकार के, उनके कई केमिकल है जो स्पर्म काउंट को कम कर देते हैं, और ऐसे बहुत सारे केमिकल है। एक अद्भुत किताब है, उसका नाम है अवर स्टोलन फ्यूचर, नाम भी ऐसा ही, और सचमुच में स्टोलन फ्यूचर है। और ये किताब में लेखक ने लिखा है कि सिर्फ मानव जाति नहीं, लेकिन पक्षी, प्राणी, मछली, यहाँ तक कि आर्कटिक सर्कल के पोलर बेयर की संख्या भी हमारे केमिकल की वजह से कम हो रही है। डेफिनेटली ये वाकई में हम सबके लिए अलार्म कॉल है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण का यदि ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे हमारी प्रजनन क्षमता जो है वो कम होते होते और एक दिन खत्म ही ना हो जाए, और वो दिन शायद अब बहुत दूर नहीं रह गया है। जीवन शैली की यदि बात करें तो आपने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा होगा, आप अलग अलग जगह पर जाते हैं, पूरे विश्व में आप पेशेंट्स देखते हैं, क्या वो ऐसी लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो आपको लगती हैं कि उसको हम, वो हमारे हाथ में है, हम उसे चेंज करके अपनी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं? वो ये बहुत अगत्य का प्रश्न है, क्योंकि कुछ तो कारण होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक है, किसी का जन्म से टेस्टिस छोटा है, या और कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है उससे भी स्पर्म पे बहुत प्रभाव होता है। कई पेशेंट आते हैं, फर्स्ट टाइम जब आए तो स्पर्म काउंट 2 मिलियन या 3 मिलियन है, हम तो दवाई लिख देते, एडवाइस देते, और कई पेशेंट 3-4 महीने बाद आते हैं, स्पर्म काउंट 30 मिलियन 40 मिलियन, अरे भाई क्या किया आपने? नहीं सर, आपका पूरा एडवाइस हमने सुना, वॉकिंग शुरू कर दिया, 10 किलो वेट कम हो गया, हम सैलड वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं, ऑयल शुगर कम कर दिया, और देखो काउंट 2 से 20 मिलियन 30 मिलियन हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, जिससे पूरे हेल्थ पे और उसके साथ साथ स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी भी काफी फर्क होता है। और अब नया रिसर्च ये भी दिखाता है कि जब कंसेप्शन होता है, बच्चे का कंसेप्शन होता है, तब हमें पता है कि माँ की हेल्थ पे तो बहुत ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अब रिसर्च ये भी बताता है कि कंसेप्शन के समय पिता का जो हेल्थ था उसका भी प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो अगर आपको आपके बच्चे को कोई गिफ्ट देनी है तो आपकी हेल्थ उसको सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट होगी। अगर कंसेप्शन के समय वाइफ का हेल्थ अच्छा है, हस्बैंड का हेल्थ अच्छा है, तो बच्चे का हेल्थ भी उतना ही बेहतर होगा। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक मेरे लिए भी एज अ डॉक्टर सरप्राइजिंग फैक्ट है। हम हमेशा महिला की हेल्थ, उसका खान पान, उसकी एक्सरसाइज के ऊपर तो बात करते ही है, पर डेफिनेटली यदि पिता की हेल्थ भी प्रभाव डालती है बच्चे के ऊपर, तो ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हमको अब कपल्स को डेफिनेटली देना चाहिए। इसमें कई बार फर्टिलिटी और पोटेंसी, ये दोनों अलग अलग चीजें तो हैं, पर कहीं ना कहीं ये दोनों रिलेटेड भी हैं। बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनमें पुरुषों में कुछ सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इरेक्शन नहीं होता, या फिर इजैक्युलेशन में, वीर्य के स्खलन में समस्या आ रही है, उत्तेजना नहीं होती, या किसी भी कारण से, प्रोफेशनल कारणों से उतना साथ ही नहीं रह पाते। और हम लोगों के पास जब वो स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास खास तौर पे आते हैं तो वो इस बात को कभी कई बार बताते ही नहीं है। दूसरी, तीसरी, चौथी बार में जाके ये हिस्ट्री कभी कभी सामने आती है कि ये समस्या है। अब इसके बारे में, इसे हम कैसे अप्रोच करें, और इसके बारे में आपके हमें विचार जरूर बताइए। ये बहुत ही अगत्य का सवाल है, और फर्स्ट पॉइंट जो आपने बताया कि पोटेंसी एंड फर्टिलिटी वो अलग है, लोग समझते नहीं है। जब हमारे पास कपल आते हैं तो कई बार
पुरुष कहेगा कि हमारा सेक्स लाइफ तो इतना बढ़िया है तो स्पर्म काउंट कैसे कम है। तो दोनों अलग है और ये इम्पोर्टेंट है कि आपका सेक्स लाइफ बिल्कुल सही हो सकता है फिर भी स्पर्म काउंट जीरो हो सकता है, या सेक्स लाइफ में काफी प्रॉब्लम हो फिर भी स्पर्म काउंट नॉर्मल हो सकता है, ये दो अलग चीज है। अब कई बार क्या होता है जैसे आपने बताया कि कपल्स शर्माते बताते नहीं है, 2-3-4 विजिट, और हमने ऐसे भी कपल देखे जिनकी शादी को 2-5-6 साल हो गए अब तक एक बार भी संभोग नहीं कर पाए, किसी को बताया नहीं और चले गए IVF के लिए। तो अगर कोई भी ट्राई करता है, कोई भी कपल जब कोशिश कर रहे बच्चे के लिए, अगर आपको लगे कि नहीं सेक्स में दिक्कत है, स्खलन नहीं हो रहा है बराबर, मिलते नहीं है हम समय पे, तो बहुत अगत्य है कि आप डॉक्टर को बताइए कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके सोल्यूशन है, सिंपल दवाई है और ये दवाई सेफ है। लोग डरते कि नहीं दवाई नहीं लेना हम उसके आधारित हो जाएंगे, ऐसा नहीं, ये टेम्पररी हेल्प है कि जो अगत्य का समय होता है जब संभोग करना जरूरी है जिसको हम ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं, उस समय वो दवाई लेने में कोई नुकसान नहीं है, बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सेक्स सही समय पे हो जाएगा और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि शुक्राणु स्त्री के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 48 आवर्स तक जिंदा रहते हैं, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप कैलेंडर देख के एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करके संभोग करो। कई बार सुबह 4 बजे वाइफ हस्बैंड को उठाएगी, चलो चलो अब मेरा एक छूटने वाला है, ओव्यूलेशन होगा, हमें रिलेशन रखना है, ऐसे जरूरी नहीं है। रफली आप ट्राई कीजिए ये पीरियड में, एक एक दिन छोड़ के भी संभोग किया तो ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो तो जरूर डॉक्टर को बताइए। तो इसके सोल्यूशन तो बहुत सारे है, थोड़ा एडवाइस देंगे आपको, रिलैक्स होने को कहेंगे और टैबलेट्स भी दे देंगे और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसमें जो एक और सवाल आता है मन में कि जब पुरुषों को इस तरह की समस्या है तो वो आखिर किसे दिखाएं, कौन से वो डॉक्टर हैं जिनके पास ऐसे पुरुषों को जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो कपल गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को बता दीजिए फिर वो आपको गाइड करेंगे। एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट या उसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड्रोलॉजिस्ट, वो करेंगे, लेकिन कई बार प्रॉब्लम छोटी होती है और गायनेकोलॉजिस्ट भी गाइडेंस दे सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब ये हिस्ट्री ली जाती है तब इसके बारे में आप फोर्थकमिंग रहे, इसके बारे में आप खुल के चर्चा करें, और डॉक्टर्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम इतने बिजी रहते हैं प्रैक्टिस में, हर मरीज को 5 से 10 मिनट ही दे पाते हैं, तो उतने डेप्थ में कई बार हम लोग भी पेशेंट से बात नहीं कर पाते हैं। और अब एक शॉर्टकट जो सबको लगता है, डॉक्टर्स को भी लगता है, पेशेंट को भी लगता है कि चलो इसमें IVF हम कर लेते हैं और ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा, पर वो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अब एक बहुत ही परेशान करने वाली समस्या होती है, वो होती है एजोस्पर्मिया, यानी किसी ने अपना वीर्य का टेस्ट कराया और उसमें स्पर्म्स निल है, जीरो है। ऐसे समय पर पेशेंट्स इतने ज्यादा परेशान, इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उस ऐसे दंपत्ति मैंने देखे हैं जो उस रिपोर्ट को फाड़ के फेंक देते हैं और फिर पत्नी से कहते हैं कि हमें जो है वो बच्चे चाहिए ही नहीं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। एजोस्पर्मिया के विषय में आपका जो काम है वो एक मील का पत्थर है हमारे देश के लिए, इसके बारे में आप हमारे पेशेंट्स को बताइए आपका क्या अनुभव है और उनके क्या रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सही कहा, ये रिपोर्ट देख के आदमी चौंक जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, कई बार बात नहीं करता है। कभी कभी तो मुझे वाइफ के फोन आए हुए कि आपको तो वो मिल के गए लेकिन अब घर भी नहीं आ रहे और बात नहीं कर रहे, तो बहुत ही डिप्रेसिंग होता है, ये शॉकिंग भी होता है, क्योंकि वो टेस्ट होने तक तो आदमी को लगता है मैं बिल्कुल सही हूँ, तंदुरुस्त हूँ, हेल्दी हूँ, सेक्स लाइफ सही है, तो कहाँ सही है, जीरो आ गया रिपोर्ट। साथ में कई बार जो उनके डॉक्टर होते हैं, फैमिली डॉक्टर या ऑर्डिनरी गायनेक जो जानते नहीं है, वो भी उनको कहते हैं अरे काउंट जीरो है, कुछ नहीं हो पाएगा, डिप्रेशन और भी बढ़ जाता है। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम समझे कि कम से कम 50% केसेस में जहां स्पर्म काउंट जीरो है, कोई भी स्पर्म नहीं है, ऐसे सिचुएशन में भी 50% केस में खुद का बच्चा हो सकता है। ये कैसे है? जब स्पर्म काउंट बाहर जीरो है तब भी कई केसेस में अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण चालू रहता है,
ऐसे केस है जहां स्पर्म का निर्माण नॉर्मल है लेकिन ब्लॉकेज की वजह से स्पर्म बाहर नहीं आ रहे, और ऐसे केस में अगर माइक्रोसर्जरी करके ब्लॉकेज हटाया जाए तो नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरे केस होते हैं जहां स्पर्म का निर्माण है लेकिन बहुत कम है, कम होने के कारण वो बाहर नहीं आ पाते, अंदर ही बनते, अंदर ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे केस में ब्लॉकेज नहीं है, ब्लॉकेज की सर्जरी काम नहीं आएगी, लेकिन सर्जरी टेस्टिस के ऊपर करके वहां से हम स्पर्म बाहर निकाल सकते हैं, और वो स्पर्म पत्नी के एग में डाला जाता है जो IVF की विधि है, और उससे बच्चा हो सकता है। तो ये दोनों विधि की कॉम्बिनेशन से 50% केसेस, हर एक केस में नहीं लेकिन 50% केस में जहां स्पर्म काउंट कंप्लीट जीरो है, वहां भी हमें स्पर्म मिल सकते हैं और प्रेगनेंसी हो सकती है। और ये जानना जरूरी है कि काउंट जीरो है तो वो एंड ऑफ द लाइन नहीं है, होपलेस नहीं है, बहुत सारा होप है, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है सबके लिए समझना, क्योंकि और इवन डॉक्टर्स के लिए समझना, क्योंकि जैसे ही एजोस्पर्मिया होता है जैसा आपने बताया, उन्हें ये इम्पोर्टेंट है समझना कि हम स्पर्म रिट्रीवल करके अब IVF इक्सी की जो प्रक्रिया है वो शहर शहर में, छोटे छोटे शहरों में भी अब उपलब्ध है। तो ये एक एक्चुअली आपके जर्नी की शुरुआत है, आपके जर्नी का एंड जो है वो बिल्कुल। लास्ट में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब किसी को भी मेल इनफर्टिलिटी होती है उसका बहुत सा रिलेशन, बहुत सा उसका जो असर है वो उनके रिलेशनशिप पर, उनकी एस्टीम पर, उनके सोशल इंटरेक्शंस पर पड़ता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे पुरुषों को? अनफॉर्चुनेटली पुरुष का जो ईगो है, अहम है, वो सेक्स के साथ और फर्टिलिटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्पर्म काउंट लो आ गया, जब कपल्स आते हैं हमारे रूम में तो हस्बैंड का पोजीशन देख के ही पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, शर्मजनक बात नहीं है। जैसे लेडी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, पुरुष में भी प्रॉब्लम आ सकता है, ये आपकी गलती नहीं है, ये कुदरत का खेल है, ईश्वर की इच्छा है, तो उससे शर्माना नहीं है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आप ट्रीटमेंट के लिए जल्दी आगे बढ़िए, 5, 10, 15 साल निकल जाए तो फिर आगे का ट्रीटमेंट मुश्किल है। शर्माना नहीं है, कोई गलती नहीं की आपने, डॉक्टर से मिल लीजिए, जल्दी मिलिए, जितना यंग एज में इलाज होगा उतनी सक्सेस की संभावना ज्यादा रहेगी, और कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकाल पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये जो सेशन है, मैं डेफिनेटली जानती हूँ कि लाइव तो बहुत से लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, इसकी रिकॉर्डिंग भी बहुत सारे लोग देखकर और लाभान्वित होंगे, और आपका जो काम है, जो इतने दशकों की आपकी तपस्या है, वो आज बहुत सारे लोगों को लाभान्वित कर रही है, उसके लिए हम सब आपको के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच।